नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सरकार, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूफटॉप। दोस्तों आज जो मेरे पास पौधा है ये देखिए, गुलाब का पौधा। बरसात के कारण जो इसका जो फ्लावर है ये देखिए, बिल्कुल मतलब जो है इसमें ये मतलब फ्लावरिंग भी ज़्यादा पड़ा नहीं हुआ था और ये थोड़ा सा मतलब खिला था, उसके बाद जो है बरसात के कारण ये बिल्कुल जो है ये सड़ गया है। इसको आज टोटल केयर करेंगे ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले सर्दी में जो इसके फ्लावरिंग अच्छा हो और फ्लावरिंग बड़े से बड़े फ्लावर इसमें मिले और ज़्यादा भी मिले। तो दोस्तों इसका कंप्लीट केयर आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे केयर करने से आप सर्दी में इसका जो है बहुत अच्छा फ्लावरिंग इसमें आपको मिल सकता है। तो पहली बात तो है जो इसका फ्लावरिंग करने के लिए दोस्तों, एक जो पहला काम है उस इसका जो है अभी हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है। तो हार्ड प्रूनिंग जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो है इसका क्या क्या मतलब इसमें फर्टिलाइज़र इसको देना है ताकि जो मतलब कहना आने वाले सर्दी में जो है आपको अच्छा फ्लावरिंग मिले। तो दोस्तों आपके पास अगर पौधा है तो अभी ये वक्त है मतलब इसको प्रूनिंग करना और इसको फर्टिलाइज़र भी देना है, क्योंकि बरसात के सीज़न में ये जो है जितना इसके अंदर जैसे मतलब एक महीना पहले जो मैंने फर्टिलाइज़र इसमें डाला था ये सारे लगभग मतलब धो गया और या तो जो प्लांट्स है ये कंज्यूम कर लिया। तो दोस्तों अभी जो है इसको फर्टिलाइज़र क्या देंगे ताकि जो बड़ा से बड़ा मतलब क्या आपको फ्लावर मिलेगा विंटर में और अच्छा मतलब क्या ना अच्छा मतलब इसका ज़्यादा ज़्यादा भी फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा जो चैनल है अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पहले तो जो है इसको प्रूनिंग से शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए मतलब ये जो अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है इसका, ये देखिए एक जो ये ब्रांच है, दूसरा जो ये ब्रांच पुराना वाला है, एक नया ब्रांच देखिए ये वाला है, नया ब्रांच है, इसमें फ्लावरिंग आया था। तो इसको भी थोड़ा बहुत मतलब कहना सभी को मतलब थोड़ा थोड़ा करके इसको हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत है। तो पहला जो है ये प्रूनिंग करते टाइम और एक बात भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि इसका जो कटिंग्स है ये कटिंग्स वो फेंकना नहीं है, ये कटिंग्स को भी उगाना है। तो ये कटिंग्स को ऐसे मतलब कटेंगे ताकि ये कटिंग्स हम लगा सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला जो है इसको थोड़ा सा इसको कटिंग्स कर लेते हैं पहले, तो ये थोड़ा सा इस तरफ से कटिंग कर देते ताकि ये भी थोड़ा सा मतलब इस यहाँ से कटिंग कर देते हैं। दोस्तों इसको भी थोड़ा सा इधर से कटिंग कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सा इधर से कटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों ये सारा जो कटिंग्स है ये देखिए, ये कटिंग्स भी आप ग्रो करेंगे तो इसको भी हम फेंकना नहीं है, इसको फिर हम उगाएंगे, ये भी जो है इसको भी हम उगाएंगे। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इसका ये जो नया ब्रांच अभी इसमें निकलेगा उसी ब्रांच में जो फ्लावर आएगा वो बहुत अच्छा फ्लावरिंग करेगा ये, और बहुत बड़ा भी फ्लावर होगा और ज़्यादा भी होगा। तो दोस्तों ये इसके साथ साथ मैं अभी इसको फर्टिलाइज़र जो है मैं आपको बताऊँगा, और इसको थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं, थोड़ा हल्का हल्का करके इसको गुड़ाई कर लेंगे, जैसे इसमें पानी है, मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा, तो हल्का हल्का करके इसको गुड़ाई करके उसके बाद जो है इसमें जो फर्टिलाइज़र मैं देता हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या इसमें डालना है। तो दोस्तों ये ज़्यादा इसमें पानी है, ये मतलब ये जो गीला तो होना चाहिए, जब फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे तो इसके अंदर मतलब मॉइस्चर होना चाहिए। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या क्या इसमें हम डालेंगे। मेरे पास दो पौधा है तो एक पौधा में ही आपको दिखाऊँगा। तो ये पहला जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो मैंने इसके लिए मैंने जो चीज़ लिया है, तो ये पहला जो है ये बोन मील है, उसके बाद थोड़ा सा बॉर्डर वो सुपर फॉस्फेट है, ये दो चम्मच मतलब बड़े वाला चम्मच में जो है दो चम्मच करके, ये नीम खोल है दो चम्मच, और थोड़ा सा इसमें शिंकुची है। तो इसको थोड़ा एक साथ मिला के फिर इसको हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दो पौधे के लिए मतलब लिया, मतलब अगर एक पौधे में एक एक स्पून करके डालेंगे तो दो पौधे के लिए दो दो स्पून इसमें लिया। अभी इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके इसको साइड से इसको दे देंगे, डाल देंगे। तो दोस्तों ये साइड से थोड़ा इसको डाल देते हैं, इसको साथ हम तो मिक्स कर देते हैं थोड़ा।
इसको थोड़ा सा मतलब जो है जड़ से थोड़ा सा दूर इसमें डालना है। अभी ये मिट्टी गीला है तो ये अच्छा है, थोड़ा जल्दी इसमें अब्जर्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये बस अब इसको और कुछ नहीं करना है, अभी पानी डालना है। जब थोड़ा सा इसको पानी वाटरिंग कर देंगे इसी फर्टिलाइज़र से, मतलब ये जो है अभी बिल्कुल जो है इसमें नया शूट्स निकलेगा, नया ब्रांच निकलेगा और बहुत ही अच्छा विंटर में इसको फ्लावरिंग करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस जानकारी आपको अच्छा लगा और आपका पौधा भी अगर है तो इसको अभी केयर करेंगे तो भी मैं तो कहना विंटर में आपको अच्छा फ्लावरिंग मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।